केबीएन स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। आई एम एट A1 इंडिया होम्स एंड टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड TTCP एंड रेरा अप्रूव्ड वेंचर कुतुब वैली ऑन कोत्तूर रोड विद स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज। एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। JP दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। हैदराबाद पुलिस ने यौमे आजादी से कबल शहर में हाई अलर्ट। अफजलगंज पुलिस ने मंगल को महात्मा गांधी बस स्टेशन पर तकरीबकारी मुखालिफ चेकिंग की। DCP ईस्ट B बालस्वामी और दीगर अहदेदारों की क्यादत में पुलिस ने इंसदाद तकरीबकारी टीमों और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों की मदद से बस टर्मिनल को चेक किया। टीम ने पुलिस की मदद के लिए सूंघने वाले कुत्तों को भी तैनात किया। मुसाफिरों के सामान की जाँच पड़ताल की गयी जो मशकूक हालत में घूमते हुए पाए गए, जबकि टीमों ने MGBS में चंद बसों की पार्किंग लॉट को भी चेक किया। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर वो शहर में किसी भी मशकूक सामान या चीज को नजरअंदाज करते हुए देखें तो इन्हें इत्तला दें। DSE उम्मीदवारों के लिए अहम इत्तला। तेलंगाना में 11,062 असातेजा की मकलुआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुनक्कदा DSE इम्तिहान की कीट जारी कर दी गई है। वेबसाइट में की के साथ साथ रेस्पॉन्स शीट भी दस्तियाब रखी गई। महकमे तालीमात ने तुलबा से इस महीने की 20 तारीख से कबल एतराजात दाखिल करने की ख्वाहिश की है। पुराना पुल में मंगल को डेकोरेशन मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए की अमलाक जलकर खासतर हो गई। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया गया है कि दोपहर के वक्त पुराना पुल पर वाकये स्वास्तिक सप्लाइंग कंपनी में आग लगी। एक कारकुनान के अलावा बाकी कारकुनान जो इस जगह पर ठहरे हुए थे किसी काम से बाहर गए थे। जब आग लगी तो एक कारकुनान शाहिद आलम जो कि बिहार के रहने वाले हैं सो रहे थे और मुकामी लोगों की इत्तला पर बेदार हुए। मुल्क में जारी बदअमनी के बाद बांग्लादेश में अकलियतों पर हमलों की मजम्मत के लिए मुख्तलिफ तंजीमों ने शहर में एहतजाजी रैली निकाली। दिलसुख नगर में एंटी टेररिज्म फोरम ATF के जेर एहतमाम एहतजाजी रैली में तुलबा समेत तकरीबन 500 अफराद ने शिरकत की। मुंतजमीन ने बांग्लादेश में हिंदू बरादरियों के अफराद के मजहबी मुकामात और घरों पर हमले की मजम्मत की और अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो जिसने हैदराबाद और अजला में सरकारी और प्राइवेट डी एडिक्शन मराकज का मुआयना किया, कहा कि ऐसी 16 सहूलियात में से सिर्फ 2 तेलंगाना में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। टीमों ने रंगारेड्डी, वरंगल, करीमनगर, आदिलाबाद, खम्बम और नलगुंडा में वाक़ डी एडिक्शन मराकज का दौरा किया और कहा कि इस तरह की सहूलियात को जिला इंतजामिया से हौसला अफजाई हासिल करनी चाहिए। शहर में मौसलाधार बारिश के दरमियान मंगल 13 अगस्त को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर मेस में छते टपकने की इत्तला मिली। पानी से भरे मेस में खाने पर मजबूर स्टूडेंट्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ऐसे ही एक वीडियो में 2 स्टूडेंट्स इस मामले पर रोशनी डालने की कोशिश में फर्श से पानी को एक प्याले में डालते हुए नजर आ रहे हैं। रिसर्च स्कॉलर्स के मुताबिक पानी डाइनिंग हॉल और स्टोर रूम में दाखिल हो गया जिससे सेहत को खतरात लाहक है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बस ड्राइवर की चौकसी ने एक मुसाफिर की जान बचाई जिसे बस में सफर के दौरान मिर्गी का दौरा पड़ा था। पीर को जब वरंगल 2 डिपो की बस हैदराबाद से हनमगुंडा जा रही थी, गटकेसर से गुजर रही थी, तो मुसाफिरों में से एक मुसाफिर संतोष को चलती बस में मिर्गी का दौरा पड़ा। साथ ही मुसाफिरों की इतला पर बस ड्राइवर ने बस को बाजू में रोका और मुसाफिर की जाँच की। दूसरे मुसाफिरों ने एम्बुलेंस को डायल किया लेकिन ये समझते हुए कि संतोष की हालत बिगड़ जाएगी, बस ड्राइवर ने एम्बुलेंस आने का इंतजार नहीं किया। साथ ही मुसाफिर निवास की मदद से बरारासत बस को बीबी नगर के करीबी एम्स हॉस्पिटल पहुंचाया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मंगल 13 अगस्त को VD आनंद कुमार सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल कमिश्नरेट ऑफ सेंट्रल टैक्स GST भवन बशीर बाग और इंस्पेक्टर मनीष शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये कार्रवाई एक निजी कारोबारी मालिक की शिकायत के बाद की गई जिसमें इल्जाम लगाया गया कि ये दोनों अफिसरान ने टैक्स रिटर्न में मुबैना बेजाब्तियों का हवाला देते हुए 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था। शिकायत के मुताबिक दोनों अफिसरान ने शिकायत कुंदा को लोहे के स्क्रैप की दुकान के कारोबार में GST लगाने की धमकी दी और 4 जुलाई को इसकी दुकान पर कब्जा किया। बाद में ऑफिसरान ने 5 लाख रुपए की रिश्वत तलब की और दोबारा दुकान खोलने के बाद मजीद 3 लाख रुपए का मुतालबा किया।
तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने मंगल के रोज मुतालिका जिला कलेक्टर को हैदराबाद रीजनल रिंग रोड के लिए हुसूल अराजी को सितंबर के दूसरे हफ्ते तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कलेक्टर से कहा कि वो हुसूल अराजी को तरजीह दे और सितंबर के दूसरे हफ्ते तक इस अमल को मुकम्मल करे। इन्होंने इलाकाई रिंग रोड की तामीर की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए रियासती सेक्रेटरी में एक आला सतह की मीटिंग की। मरकजी वजीरे दाखिला अमित शाह ने आज अहमदाबाद में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जेर एहतमाम तिरंगा यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर गुजरात के वजीरे आला समेत कई मुआजरीन मौजूद थे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि वजीरे आजम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से शुरू की गई हर घर तिरंगा मुहिम हिब्बुल वतनी का इजहार बन गई है। इन्होंने इस मौके पर कहा कि 15 अगस्त को हम आजादी के 78वें साल में दाखिल होने जा रहे हैं और इस मौके पर गुजरात में एक भी घर या दफ्तर तिरंगे के बगैर नहीं होने चाहिए। इन्होंने कहा कि ये तिरंगा यात्रा इसलिए शुरू की गई है कि पूरा गुजरात तिरंगा में सजे और इसके लिए गुजरात और मुल्क के हर शहरी के जहन में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2025 के मुकद्दस सफर हज के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान कर दिया है। हज फॉर्म भरने का अमल बतारीख 13 अगस्त 2024 से 9 सितंबर 2024 तक जारी रहेगा। इस साल पहली बार हज फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अलावा हज सुविधा ऐप पर भी भरे जाएंगे। इसके अलावा मरकजी वजीर बराए अखलती ने दफ्तर से हज 2025 के एक्शन प्लान को जारी किया। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में अब असातिज़ा बच्चों को डांट भी नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि महकमे तालीम की तरफ से नए तालीमी साल के लिए जो गाइडलाइंस जारी हुए हैं इसमें सख्ती से कुछ चीजों को ममनुआ करार दिया। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी तफसीली गाइडलाइंस में बताया गया है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे बच्चों को किसी भी तरह की जिस्मानी या नफसियाती सजा नहीं दी जाएगी। बच्चों को फटकारना, अहाते में दौड़ाना, चूटी काटना, चाटा मारना, घुटनों की ताकत पर बिठाना, क्लासरूम में तन्हा बंद करना वगैरह से असातिज़ा को परहेज करने की हिदायत दी गई। यानी अब असातिज़ा के लिए तुलबा को डांटना भी महाल हो गया है। इस गाइडलाइंस पर सभी प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा को लाजमी तौर पर अमल करना होगा। हिंदुस्तान की रियासत मध्य प्रदेश में एक नया तनाजा शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के कॉलेज में अब तुलबा को आरएसएस कायदीन के जरिए तहरीर करदा किताबों को पढ़ाए जाने का फैसला कर लिया गया है। इस फैसले की कांग्रेस ने सख्त मजम्मत की। बताया जा रहा है कि जो किताबें कॉलेज तुलबा को पढ़ने के लिए मुंतखब की गई है इनमें डॉक्टर अतुल कोठारी, दीनानाथ, देवेंद्र राव देशमुख समेत कई आरएसएस लीडरान की किताबें हैं। अमेरिका ने मशरकी वस्ती में जारी कशीदगी के तनाजे में इंतबाह दिया है कि ईरान इसराइल के खिलाफ जल्दी हमला कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल और इसके एहतियातियों को ईरान की जानिब से जारी हफ्ता मुमकिन बड़े हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की 31 जुलाई को तेहरान में शहादत के बाद इस खत्ता में कशीदगी में इजाफा हो गया है। ईरान ने इस्माइल हानिया के कत्ल का इल्जाम इसराइल पर आयद करते हुए रद्द अमल में जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ा धन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% लाभం గ్యారెంటీ తో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయ్యింది. నా భర్త డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్,
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।